कानून पर भारत को बड़ी सिफारती जीत मिली है। इस कानून के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में लाई गई तजवीज पर होने वाली वोटिंग अब मुलतवी हो गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट में कई अराकीन पार्लियामेंट ने इसे भारत का दाखिली मामला करार देते हुए वोटिंग मुलतवी करने की बात कही। यूरोपीय पार्लियामेंट में बुध को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ भारत हावी रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस मामले पर वोटिंग हुई थी। इससे पहले भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट की तजवीज़ पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अपनी तश्वीश जाहिर की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए यूरोपीय पार्लियामेंट को लिखे खत में CAA को भारत का दाखिली मामला करार देते हुए इसे पूरी कार्रवाई पर अमल करके अपनाने की बात कही गई थी। ज़राए के मुताबिक CAA पर भारत के नज़रिए को यूरोपीय यूनियन के जरिए गैर जानिबदार और खुले मन से समझने की उम्मीद जाहिर की गई थी। और आसाम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी 4 ग्रुपों के कैडर आज गुवाहाटी में खुद सुपुर्दगी करेंगे। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और वजीर खजाना हेमंत बिस्वा शर्मा इस कार्रवाई के गवाह बनेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात को गुवाहाटी में 8 मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े 644 इंतहा पसंदों ने खुद सुपुर्दगी की थी। मरकज ने आसाम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB के साथ पीर को एक मुहिदे पर दस्तखत किए थे। मरकजी वजीर दाखला अहमद शाह और आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में सहरुखी माहदे पर दस्तखत किए गए। वजारत दाखला में जॉइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र गर्ग, आसाम के चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय कृष्णा और NDFB के 9 ग्रुपों की क्यादत ने माहदे पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत आसाम में क्याम पजीर बोडो कबायलियों को सियासी हकूक और माली मदद दिए जाने का इल्तजाम है। गुज़श्ता 27 सालों के दौरान ये तीसरा बोडो समझौता है। और पार्लियामेंट के बजट इजलास को खुशसरूवी से चलाने के लिए हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। सरकार की कोशिश होगी कि बजट और बजट के बाद की पार्लियामेंट की कार्रवाई खुशसरूवी से चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बिल इस इजलास में भी पास कराए जा सकें। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी सनीचर को पेश किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। लोकसभा स्पीकर की कोशिश है कि पिछले 2 इजलास की तरह इस बार भी लोकसभा के कामकाज के नए रिकॉर्ड बने और इसी के पेश नज़र वो अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से पार्लियामेंट का इजलास और लोकसभा को खुशसलूबी से चलाने की अपील करेंगे। अपोजिशन ने भी आज एक मीटिंग बुलाई है जिसमें आगे की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 170 से जायद हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी की जद में मजीद 7,700 से ज्यादा लोगों के आने की तस्दीक भी हो गई है। चीन के सभी सूबों में इस खतरनाक वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना वायरस के कम अज कम 75 गैर मुल्की मामले भी सामने आए हैं। महकमा सेहत के माहरीन ने खबरदार किया है कि वायरस का इन्फेक्शन अगले 10 दिनों में मजीद उरूज पर पहुंचे जाएगा, जिसके नतीजे में खतरा मजीद बढ़ सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के कहर पर काबू पाने के लिए फौज की मदद लेने का हुक्म दिया है। कार बनाने वाली जापानी कंपनी टोयोटा ने चीन में वाकई अपने सभी कारखानों को 9 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है और बर्तानिया और पापू न्यू गिनी ने चीन जाने वाली अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। और खेलों में भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में सुपर ओवर में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने आसानी से इस हदफ को हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर छक्के लगाकर भारत को बहुत ही दिलचस्प जीत दिलाई। ये पहला मौका है कि जब भारत ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज अपने नाम की है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।